टेन पॉइंट फाइव दैट इज़ रीप्रोडक्टिव फ़ेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन तो टेन पॉइंट फाइव में क्या पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव फेजिज़ क्या है ह्यूम्स के लाइफ में एडोलिसेंट बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन वेन द टेस्टिस एंड द ओवरिज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट आप कब कह सकते हो कि एडोलेसेंट्स वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल है जब टेस्टस एंड ओवरी क्या करते हैं गैमिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं द केपैसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गैमिट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल दैन इन फीमेल तो क्या होता है जो प्रोडक्शन है गैमेट्स की ये क्या होता है लॉन्गर किसमें होता है मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल से अगर कंपेयर करें तो इन फ़ीमेल द रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ ऑफ द लाइफ बिगेन एट प्यूबर्टी दैट इज़ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ऑफ द एज तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव फ़ेजेस कब बिगेन हो रहे हैं मीन्स प्यूबर्टी कब बिगेन हो रही है टेन टू ट्वेल्व ईयर्स एंड जनरली लास्ट इल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव टू फिफ्टी और ये कब एंड हो रही है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव टू फिफ्टी द ओवर बिगेन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तो इसमें क्या हो रहा है जैसी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है तब क्या हो रहा है ओवर स्टार्ट हो जाता है किस चीज़ में मेच्योरेशन में वन ओवर मेच्योर एंड इज़ रिलीज वन बाई वन ऑफ द ओवर इज वस अबाउट द ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज क्या कह रहा है इसमें ओवम एक एक करके मेच्योर होने लग जाते हैं और रिलीज होने लगते कहाँ ओवरीज़ में कितने कितने दिन पे ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज़ में ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटरस बिकम थिक इस टाइम पे क्या होता है जो यूटरस की जो वॉल है काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है तो हो जाती है? क्यों हो जाती है थिकनेस क्यों हो जाती है यूटरस में बिकॉज सो एज़ टू रिसीव द एग सो डैट वो एग को रिसीव कर सके इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप क्योंकि उसे पता नहीं रहता कि जो आपका ओवम है वो स्पॉम से फर्टिलाइज होना है या नहीं होना है तो इसलिए वो किस चीज़ के लिए रेडी रखते है कि वो यूट्रस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज़ नॉट ऑकर पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ द एग रिलीज एंड द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ़ तो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ये थिकनिंग ऑफ द यूट्रस है ये क्या होता है इसकी जो लाइनिंग है ये रिलीज होने लग जाती है किसके साथ ब्लड वेसल्स के साथ ये क्या होता है शेड ऑफ मीन्स निकल जाता है दिस कॉज द ब्लीडिंग इन वुमेन तो ये क्या कॉज करता है वुमेन में ब्लीडिंग कॉज करता है विच इज नोन एज मैंस्टोरेशन तो ये आपको समझ में आ गया है कि हर मंथ यूट्रस क्या करता है अपनी वॉल को थिक करता है सो so डैट वो तो वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्या होता है जो थिक लेयर है या थिक लाइनिंग कह सकते हो यूटरस की उस वो और ब्लड वेसल्स ये क्या होता है शेड ऑफ़ हो जाते है किस फॉर्म में ब्लीडिंग के फॉर्म में और उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं मैंस्टूरेशन कहते हैं तो बच्चों ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था ये आ गई आपको समझ में मैंस्टूरेशन ऑकर्स वंस इन अबाउट ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज़ तो मैंस्टूरेशन कितने दिन में होता है ट्वेंटी एट टू थर्टी डेज़ के बीच में होता है द फर्स्ट मैंस्ट्रल फ्लो बिगिन एट द प्यूबर्टी एंड इस टर्म एज मेनार्क तो जो फर्स्ट मैंस्ट्रल साइकिल हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं जो आपको प्यूबर्टी में जो फर्स्ट टाइम आ रही है डैट इज़ नोन एज मिनार्क एट फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ द एज द मैस्ट्रल साइकिल स्टॉप एंड द स्टॉपेज ऑफ द मैंस्ट्रल साइकिल इज टर्म एज मेनापॉज तो मेनापॉज कब हो रहा है मीन्स आपको मैंस्ट्रल साइकिल कब रुक रही है फोर्टी फाइव टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज में इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर जो प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है डैट इज़ मेनार्क में तो कुछ टाइम तक कुछ महीने तक या कुछ साल तक क्या होता है ये इरेगुलर होता है इट टेक्स सम टाइम्स टू बिकम रेगुलर तो इसको कुछ टाइम लगता है सो डैट जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर हो सके पहेली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द वुमेन लास्ट फ्रॉम द मेनार्क टू मेनापोज तो पहेली का ये क्वेश्चन है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है तो क्या आप कब से कब तक हो रहा है इट मीन्स मेनार्क जब स्टार्ट हो रहा है मैंस्ट्रल साइकिल और मेनापॉज जब मैंस्ट्रल साइकिल रुक रहा है तो इज इट राइट इसका आंसर मिलेगा आपको मैंस्ट्रल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाई हॉर्मोन्स तो मैंस्ट्रल साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है ये हॉर्मोन से कंट्रोल हो रहा है द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्यूरेशन ऑफ द एग इस साइकिल में क्या हो रहा है बच्चों एग की मैच्यूरेशन हो रही है इट रिलीज एंड द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ़ द प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर तो ये हर हर महीने क्या हो रहा है ये साइकिल चल रही है तो इसमें क्या हो रहा है एग की मैचूरेशन हो रही है ये रिलीज़ हो रहा है और क्या और है? Thickening of uterine wall हो रहा है थिकनिंग ऑफ यूटरन वॉल हो रहा है और ब्रेकडाउन हो रहा है अगर प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है इनकेस द एग इज़ फर्टिलाइज इट बिगन टू डिवाइड एंड दैन इट्स एम्बेडेड इन द यूटरस बट अगर यही चीज़ अगर फर्टिलाइज हो जाता तो ये क्या होता है एम्बेडेड हो जाता है कहाँ पर यूट्रस में फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर नाइन जैसे आपने चैप्टर नाइन में फिगर नाइन पॉइंट एट अगर आपको देखना है तो वहाँ देख सकते हैं ओके बच्चों सो नेक्स्ट इज़ टेन पॉइंट सिक्स हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड आप बेबी के सेक्स को कैसे डिटरमाइन करोगे तो ये हम अपने पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में